नमस्कार फ्रेंड्स, आरबी मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक आसान सा फोटो फ्रेम जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरीके के डिजाइन बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाएंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पेज से बाहर कर लेता हूं। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल की साइज आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया हूं। उसके बाद एक बार फिर से टूल्स में जाएंगे और यहां से मैं इस बार सेलेक्ट कर लेता हूं एलिप्स टूल और इसको इंसर्ट कर लेते हैं। एलिप्स टूल का शॉर्टकट है F7। मैंने यहां पर इंसर्ट कर लिया है। इसको बिल्कुल सेंटर से रखेंगे यहां पर और फिर इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे बॉटम साइड में। डुप्लीकेट करने के बाद कंट्रोल R से मैं इसको रिपीट करा देता हूँ। रिपीट कराने के बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे। इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, लगभग मैं इतना रखता हूँ। और फिर इसी का डुप्लीकेट करके राइट साइड में सेट कर लेते हैं यहाँ पर। और फिर इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद इसी का एक डुप्लीकेट और करेंगे। फिर इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस रोटेशन हैंडल से मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। ध्यान रखें कि जितना स्पेस आप यहाँ पर छोड़ें उतना ही स्पेस यहाँ पर छोड़ें। मैं दो सर्कल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद सर्कल और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। अलाइनमेंट करने के बाद इन सभी को बाहर से ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं बैक मीन्स फ्रंट। तो जैसे आपने बैक मीन्स फ्रंट किया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको फ्रेम डिजाइन देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ करेंगे। तो टूल्स में जाएं, सिंपली एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करते हैं, सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। फिर इसमें जो भी कलर आप फिल करना चाहें, एग्जांपल के तौर पर कलर फिल कर लें और फिर इसके आउटलाइन को नन कर देते हैं। आउटलाइन नन करने के बाद इसमें हम ब्लैक शेडो का इस्तेमाल भी करेंगे, जैसा कि आप यहां पर डिजाइन देख सकते हैं। तो टूल्स में जाएं और यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक शेडो टूल। सिंपली मैं बॉटम साइड में ड्रैग करता हूं, इस डिजाइन से क्रॉस में ला रहा हूं इस तरीके से। तो यहां पर इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। फिर कंट्रोल के साथ कर लेते हैं ब्रेक अपार्ट। करने के बाद अब इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि इसी से मिलता जुलता रहे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो मैं इसको करता हूं डार्क ग्रे कलर और फिर इस तरीके से भी बना लेते हैं। वैसे दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। इसमें मैंने ड्रॉप शैडो का यूज किया है तो मैं इसी का एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ और ये जो ब्लैक शैडो मैंने यहाँ पर यूज किया है इसको डिलीट कर देते हैं। इसमें हम ड्रॉप शैडो का यूज कर लेते हैं। इसका कलर व्हाइट मैं कर देता हूँ, फुल व्हाइट। और टूल्स में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ड्रॉप शैडो टूल। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे प्रीसेट के अंतर्गत और यहाँ से कर लेते हैं फ्लैट बॉटम राइट। और फिर इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ और इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद इसके लाइन के वेड को मैं बढ़ा देता हूँ। तो कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और इसको मैं कर देता हूँ 2 पॉइंट। कलर इसका रखेंगे ब्लैक या फिर डार्क ग्रे कर दें। फिर इसी का एक डुप्लीकेट कर लेते हैं कीबोर्ड से प्लस बटन का इस्तेमाल करके और इसके फिल को मैं कर देता हूं नन। इसको मैं बिट मैप भी कर देता हूं। तो बिट मैप मेनू में जाएं और यहां से कर दें कन्वर्ट टू बिट मैप। एक बार फिर से बिट मैप मेनू में जाएंगे और यहाँ से कर देते हैं क्वेश्चन ब्लर। ब्लर में लगभग इतना करता हूँ और फिर इस डिजाइन को हम इस रेक्टेंगल में कर देते हैं पावर क्लिप। इसका इफेक्ट चाहे तो थोड़ा सा आप और डार्क भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइट लग रहा है। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसमें डार्क कलर फिल कर देते हैं। इसको मैं शिफ्ट के साथ करता हूँ पेज डाउन। तो इसका जो इफेक्ट है थोड़ा सा आपको और अच्छा देखने को मिल जाता है डार्क कलर पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर फिल किया हुआ है। तो आप जब बैक में डार्क कलर फिल करेंगे
तो उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा अच्छा नजर आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा फोटो फ्रेम डिजाइन कंप्लीट तैयार कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।